मामा जी को मिस कर रहे हो बहुत सारा? आई होप इसने आपको अपडेट दे दी होगी। और तू मुझे छोड़ के जा रहा है, कोई बाहर वाला कुछ चिज्जी दे तो उसके पीछे पीछे मत चले जाना। आई हैव मेट आलिया भट्ट एंड वरुण धवन पहले। हेलो दो मुसाफिर फैम जैम, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। कैसे हो आप सब? वेल आई होप एंड प्रे आप सब खुश होंगे, बट मैं ना आज थोड़ी सी टैड बिट, क्या मतलब थोड़ी सी, उससे ज्यादा उदास हूँ। पर आज का ना व्लॉग करने का मेरे को मन ही नहीं था, मतलब बनाने का ही मन नहीं था, क्योंकि आज है ना अर्जुन मुझे छोड़ के जा रहा है। बट देन आई थॉट कि ये भी मेमोरीज हैं यार, और इसको भी कैप्चर करना अच्छी बात है। क्यों? अब आप पूछोगे कि अर्जित मेरे को छोड़ के जा कहाँ रहे? भाई इतनी भी ड्रामेटिक कहानी नहीं है। हम लोग इंडिया में छुट्टी लगा कर आए हैं, अनलाइक मी जिसको पूरे टाइम की छुट्टी मिल चुकी है एंड आई कैन इजिली एंजॉय माई फैमिली टाइम। अर्जित को 3 अपने ऑफिस लोकेशंस में स्टिल रिपोर्ट करना है टू मैनेज सम वर्क। सो ही विल नाउ गो टू मुंबई। सो पहली फ्लाइट है उसकी देहरादून से मुंबई की। मुंबई में ही विल स्पेंड 1 वीक। लकीली पापा वहां पर हैं, सो ही विल गेट सम क्वालिटी टाइम विद पापा। फिर उसको जाना है चेन्नई, सो देन द नेक्स्ट फ्लाइट इज फ्रॉम मुंबई टू चेन्नई, वहां पे उसे 1 हफ्ता स्पेंड करना है। एंड देन वापस आएगा नोएडा फॉर अ वीक्स टाइम, जहाँ पे मम्मा है एंड वो मम्मा के साथ फिर अच्छे से टाइम स्पेंड करेगा। वेदू, मामा जी छोड़ के जा रहे हैं हमें। शिट यार, मामा जी को रोक दो, उनके बॉस को फोन कर दो कि नहीं भेज रहा मैं। वेदू का तो रिएक्शन आपने दे दिया, वो और मैं तो काफी सैड है। हमारा तो लाइक प्ले डेट है अर्जुन, मतलब अर्जुन को होना ही होना है, हम दोनों को एंटरटेन करने के लिए मस्ती आती है उसके साथ। पर लेट्स सी वो कर क्या रहा है, लेट्स सी उसकी पैकिंग कहाँ तक पहुंची है। हाँ जी बॉस, सुन रहा था अभी तेरी वाली सारी बातें जो वहाँ पे तुम कर रही थी। हम मिस करेंगे, अब क्या करें। हेलो एवरीबॉडी, आई होप इसने आपको अपडेट दे दी होगी। वेलकम बैक मुसाफिर नंबर 2। थैंक यू सो मच फॉर द वेलकम। मुसाफिर मूव 2 जो है ना, वो जा रहा है अपनी पार्टी करने के लिए हमें यहाँ पे छोड़ के। हमें सब पता है, गुडनेस पार्टी शॉटी करूंगा मैं, सब पता है हमें। यार जाना पड़ेगा, अब काम है तो करना पड़ेगा, तो बस जा रहे हैं। फाइनल पैकिंग हो गई है, एक घंटा टाइप है, 1 घंटे में निकलूंगा। 3 बजे की फ्लाइट है, अभी बज रहा है 12। खाना वाना खाएंगे, निकलेंगे, एंजॉय करेंगे। कौन सा ऐसा इंसान है जो खाने के साथ न्यूज़पेपर पढ़ता है? भाई साहब चुपचाप खाना नहीं खाया जाता? शांति से न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने दोगे तुम? ओके फाइन। हाँ जी गाइस, तो कैब बुक हो गई है, 6 मिनट दूर है एंड अपनी हीरोइन के साथ बैठा हूँ मैं, लास्ट के कुछ पल एंजॉय कर रहा हूँ। ऐसे क्यों बोल रहे हैं लास्ट के पल? वील मीट सून। सो गाइस, मैंने इससे बात करी है कि हम लोग ना वैसे नहीं करेंगे कि हाय तू जा रहा है। इट इज नॉट अ सैड व्लॉग, इट हैज टू बी अ हैप्पी व्लॉग। खुशी खुशी जाएंगे, खुशी खुशी आएंगे, खूब सारी मेमोरीज बनाएंगे। बिल्कुल जी। ऑल्सो इस छोटू से बच्चे की ना कल जो है तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी, पेट थोड़ा सा खराब हो गया था, मे बी बिकॉज फूड पॉइजनिंग हो गई थी। तो मैं इसको यही बोल रही थी कि बाहर से उटपटांग चीजें नहीं खाना, कोई बाहर वाला कुछ चिज्जी दे तो उसके पीछे पीछे मत चले जाना, ठीक है? चॉकलेट टॉफी नहीं खाना, पानी पीना, सिंपल खाना खाना। डन है। आप लोग इसके साथ हो गए, मैं तो यहीं तक हूँ। आगे की जर्नी हीरो आपको ले चलेंगे मुंबई तक की, तो आप लोग प्लीज निगरानी रखना कि उटपटांग चीजें ना खाए, ठीक है? मामा जी आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे मिलने। हाँ जी गाइस, तो मैं एयरपोर्ट पहुंच गया हूँ। सिक्योरिटी, बोर्डिंग, टिकट्स वगैरह सब हो गया है। बस अब 7 मिनट बचे फाइनल बोर्डिंग स्टार्ट होने के लिए। एंड एक पंगा ये हो गया कि मेरे को 15 किलो अलाउड था चेक इन लगेज, मेरा जो लगेज था वो 19 किलो का था, तो 4 किलो एक्स्ट्रा हो गया। अब मेरे इस बैग में जगह तो थी, तो मैंने उससे बोला कि मैं बैग में रख लूँ, कहता सर आप रख लो। बट फिर उस टाइम पे ना बोर्डिंग की थोड़ी जल्दी हड़बड़ी हो रही थी, टाइम वाइम थोड़ा लग गया था क्योंकि आने में ट्रैफिक बहुत मिल गया था। तो फिर मैंने उसको बोला छोड़ परे यार तू कर दे, तो 4500 का फटका लगा है मेरा, तो मैंने वो पे किया है अभी। एंड
फिर उसको चेक इन वेक इन करवाया है, फालतू का नुकसान हो गया। हाँ जी गाइस, तो मैं मुंबई पहुंच गया हूँ, लगेज वगैरह सब कलेक्ट कर लिया है, अभी ओला भी बुक कर ली है, तो बस थोड़ी देर में निकलने वाला हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई फ्लाइट में, सो रिमेंबर आई टोल्ड यू कि मेरा बैग का वेट ज़्यादा था, सो बिकॉज ऑफ दैट आई हैड टू पे 4500 एक्स्ट्रा। सो वो पे करने की वजह से क्या हुआ कि आई गॉट अपग्रेडेड फ्रॉम इकोनॉमी टू प्रीमियम इकोनॉमी, एंड प्रीमियम इकोनॉमी में जो खाना मिला मुझे वो मोर और लेस प्रॉपर एक मील टाइप था। सो आई गॉट दही बल्ला, मिंट कॉटेज चीज़ रैप, स्पिनच पैटी, एंड देन डेजर्ट में मिला मोका वॉलनट ब्राउनी विद कॉफ़ी सॉस। अलग हवाबाजी लगी, एंड प्रॉपर एक ऐसे मेन्यू के साथ उन्होंने दिया, सो इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। बट इवन मोर देन दैट, वॉट इज एन इंटरेस्टिंग थिंग दैट हैपन्ड वॉज कि बैगेज काउंटर पे आई मेट साकिब सलीम। साकिब सलीम इज अ बॉलीवुड एक्टर, दोज़ हू डोंट नो ही स्टार्ड इन मेरे डैड की मारुति, रेस 3, एंड मोर रिसेंटली इन द मूवी 83। तो मैंने उसके साथ सेल्फी भी ली। सो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम आई मेट अ बॉलीवुड एक्टर, आई हैव मेट आलिया भट्ट एंड वरुण धवन पहले, दैट इज़ अ स्टोरी फॉर अ डिफरेंट टाइम। अभी फिलहाल कैब में चलते हैं एंड चल के होटल में चेक इन करते हैं, फिर रात को पापा से भी मिलेंगे। चलो हाँ जी, तो मैं बैठ गया हूँ कैब में, 1 घंटा 26 मिनट दिखा रहा है टू दी होटल। बट अभी जस्ट मैं ये सोच रहा था कि यार मुंबई एयरपोर्ट काफ़ी चेंज हो गया, मुझे एक्चुअली लास्ट याद ही नहीं आ रहा है कि मैं एयरपोर्ट कब आया था, बहुत टाइम हो गया मुंबई आए हुए, तो इट्स अ नाइस फीलिंग। चलो अब होटल चलते हैं एंड फिर बाद में मिलते हैं पापा जी से। हेलो एवरीबॉडी, सो मैं होटल पहुंच गया हूं, जैसे कि आप पीछे देख रहे होंगे मुझे आए हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया है। मेरे को थोड़ा सा ऑफिस का काम करना था तो मैंने वो निपटा दिया है, अब मैंने वापस से अपनी कैब बुक कर दी है, मैं वापस निकल रहा हूं पिताजी से मिलने के लिए। तो अब चलते हैं, पापा से मिलते हैं, एंड आई होप आप लोगों को याद ही होगा, नहीं याद है तो 2 मिनट में आप शक्ल देखोगे तो याद आ जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। चलो लेट्स गो। ओ माय गॉड जी, जान निकल गई, बहुत ट्रैफिक था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। 8:30 बजे का निकला हुआ हूँ एंड इस टाइम ऑलमोस्ट 11 बजने वाले हैं। वहाँ पे से निकला था, उस टाइम पे बोला था कि 1.5 घंटे की जर्नी है, ये पता नहीं इतना ज़्यादा ट्रैफिक ने जर्नी कहाँ की कहाँ पहुँचा दी। फाइनली बट पहुँच गया हूँ एंड अब मैं आपको मिलवाता हूँ पापा से। हेलो, ये क्या हाल चाल? बढ़िया। सो जो पहली बार देख रहे हैं ही इज माय फादर, एंड जो पापा को पहले भी देख चुके उनको याद होगा कि पापा बेल्जियम आए थे, उन्होंने क्या 5000 जगह घूम ली थी, गाड़ी थी उस टाइम, गाड़ी थी 2-3 हफ्ते के स्पैन में पापा ने बहुत सारा बेल्जियम घूमा था, एंड हम लोगों ने अच्छी ट्रैवल सीरीज भी बनाई थी जो मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी होगा, जाके देख लेना। अभी बताइए क्या प्लान है? चलो जी ऊपर चलते हैं, दारू शारू इंतजार कर रही है, बोतल खोलते हैं। यहाँ मेरी हालत खराब हुई हुई है बट ठीक है, थकावट दूर हो जाएगी ना। ठीक है चलो जी ऊपर चलते हैं एंड मैं आपसे कल मिलता हूँ, हम लोग अभी जाके थोड़ा रिलैक्स करते हैं फिर सोने वोने का करते हैं, हम आपसे कल मिलते हैं, बाय बाय। मैं आप सबको दिखाऊंगी हमारा संडे हम क्या क्या मस्ती करने वाले हैं। मैं कैसे पता मुकबैंग का? So, भाई 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग और 600 स्टेप चढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि हम आ गए हैं मुंबई के टॉप मोस्ट पॉइंट पे, हमारी गढ़वाली पालक की काफली रेडी हो गई है। तो यार मैं हम लोग मन्नत पहुंच गए हैं, मेरे पीछे मन्नत है, बस भीगे भीगे भीगे।